बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, जिन्होंने हाल ही में अपनी फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की शूटिंग ख़त्म की है, अब उन्होंने महेश मांजरेकर की अपकमिंग फिल्म अंतिम के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आयुष शर्मा भी नज़र आएंगे। उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग 6 दिसंबर से मुंबई में फिल्म सिटी में स्टार्ट कर दी है। एक लीडिंग पोर्टल की माने तो अंतिम का फर्स्ट शेड्यूल शुरू हुआ था 16 नवंबर को, जहां पर आयुष ने पुणे में एक इम्पॉर्टेंट चेस सीक्वेंस शूट किया था। इसके बाद पुणे से इस फिल्म की शूटिंग करजत में शिफ्ट हो गई, जहां पर निकेतन धीर ने इस कास्ट को ज्वाइन किया, जो कि फिल्म में एक गैंगस्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। इन सभी एक्टर्स और सपोर्टिंग कास्ट ने 20 दिन तक फिल्म की शूटिंग की और अब फाइनली सलमान खान ने भी शूट ज्वाइन कर ली है। सलमान खान इस फिल्म में एक सिख कॉप का रोल प्ले करते नजर आएंगे। राधे के बाद सलमान खान ने एक ब्रेक लिया था ताकि वो अपनी बियर्ड बढ़ा सके, क्योंकि इस फिल्म में वो पहली बार एक टर्बन पहने हुए नजर आएंगे। जी हाँ, उनके 30 ईयर के लॉन्ग करियर में वो पहली बार एक सिख बनने वाले हैं। सिक्योरिटी फिल्म की काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दी है ताकि उनका जो लुक है वो रिवील ना किया जा सके और कोई भी फैन उसे कैप्चर ना कर ले, ताकि जब सभी फिल्म देखे तो उन्हें इसका सरप्राइज मिले। सलमान खान और आयुष शर्मा ने कन्फ्रंटेशन सीन्स की शूटिंग स्टार्ट कर दी है। इस फिल्म में सलमान एक सीरियस कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं और साथ साथ थोड़ा थोड़ा अंडरलाइंग डार्क ह्यूमर भी हमें देखने को मिलेगा। प्रोडक्शन टीम कोविड 19 प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रही हैं और पूरा ध्यान रख रही है कि सेफ्टी मेंटेन की जा सके। आपको बता दें, इस फिल्म की शूटिंग कहा जा रहा है कि मिड जनवरी तक ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि सलमान खान अपने बर्थडे के वीक में ऑफ लेने वाले हैं, जिस वजह से इस फिल्म की शूटिंग थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है।